कभी कभी ईश्वर बहुत परीक्षा लेता है, दर्द की इंतहा हो जाती है। ऐसे ही बागली अनुविभाग के ग्राम पोलाखाल में एक अबोध बालिका के साथ घटनाएं हो रही है। आपको बता दें कि विगत 3 माह पहले उसके पिता अंसी का साया उसके सर से उठ गया था। तब से ही वह मजदूरी कर अपने माँ और भाइयों का पेट भरती थी। 1 जनवरी को माँ ग्यारसी बाई भी चल बसी। उस बेचारी के साथ प्रकृति ने ऐसा खेल क्यों खेला है, घर में कमाने वाला कोई नहीं, भाई भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, ऐसी स्थिति में वो अकेली ही संघर्ष कर रही है। यह कहानी ग्राम पोलाखाल की शारदा पिता अंसी जाति बिलाला की है। क्षेत्र की सामाजिक संस्था सीतावन उत्थान सेवा समिति के सेवकों को यह जानकारी लगी तो सभी सेवकों ने आपस में धन संग्रह कर आज 7,000 रुपए सहायता जो है सप्तांजलि श्रद्धांजलि के रूप में प्रदान की जा रही है। इसे तो समिति के जो भी सेवकगण, जब पता चला कि शारदा की माँ अचानक जो है उनका देहावसान हो गया और जिसके कारण से उस परिवार के ऊपर जो है बहुत वज्राघात हुआ है। कुछ वर्ष पहले उसके पिता शांत हो गए, जो बड़े पापा उसके थे वो 7 महीने पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण पूरा परिवार जो है गरीब है वैसे भी और ज़्यादा है, निर्धन परिवार को दुख वज्रपात हुआ है। इसलिए सीतावन उत्थान समिति जो है पिछले 4-5 वर्षों से कार्य कर रही है, अपने परमार्थ के लिए समाज की सेवा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसके लिए हमारे क्षेत्र के सीतावन के सभी सदस्य जो है जुड़े हुए हैं। जहाँ पे भी मदद की आवश्यकता होती है वहाँ पर मदद करते हैं। और जब पता चला 1 जनवरी 2021 की सूर्य की पहली किरण के साथ, हमारे समिति के सदस्य कमलेश जी जोशी ने सबसे पहले उसको महसूस किया और उसको समिति के ग्रुप पे डाला कि इस प्रकार की गुड़िया के परिवार पे मदद हो, जो कि तो तुरंत सभी साथी 9 वर्ष की जो है बधाइयों को छोड़ते हुए इस परहित सर इस धर्म ने जय सीतावन। हमें कल सूचना मिली थी हमारे समिति के सेवक कमलेश जी जोशी द्वारा कि ग्राम पोलाखाल में एक बालिका है शारदा पिता अंसी, जिसके पिताजी का देहांत भी हो चुका है और जो उसके ताऊजी थे उस माह पहले उनका भी देहांत हो चुका है और 1 जनवरी को यानी कि कल उसकी माँ का भी देहांत हो चुका था। ऐसी स्थिति में उसकी देखभाल करने वाला कोई था नहीं, उस परिवार में जो भी वो लड़की थी वो मजदूरी करके सब उनका जीवन यापन करती थी और ऐसी स्थिति में उसके पास कुछ था नहीं। तो समिति के सेवकों ने अपनी तरफ से नया वर्ष जो अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष है उसमें अपनी तरफ से उसको सहायता के रूप में मनाया और 7,000 रुपये नकदी उसको आज दिए गए हैं समिति की तरफ से और शेष खाद्यान्न भी उसको उपलब्ध शीघ्र कराया जाएगा। जय सीतावन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।